नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आज हम बात बारिश की नहीं करेंगे, जो दिल्ली में हो रही है, पूरे उत्तर भारत में जिसके होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि तब हमें बात करनी पड़ेगी उन प्रवासी मजदूरों की, जिनकी संख्या लाखों लाख है, जो सड़क पर चल रहे हैं। तब हमें सोचना पड़ेगा उन तमाम महिलाओं के बारे में भी, और ख़ास तौर से इन महिला के बारे में भी जो पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक का सफ़र पैदल पैदल तय कर रही हैं और ट्रॉली पर बच्चा सो रहा है, जो बैग है उसमें बच्चा नींद ले रहा है। यह है हमारे भारत की असली तस्वीर। इस तरह की तमाम तस्वीरों के बारे में बात करना ख़ास तौर से इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो पैकेज अनाउंस किया है प्रधानमंत्री ने और जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बोल रही हैं, उसमें ये तमाम भारत है कहाँ? आइए चलिए थोड़ी सी झलकियां देखते हैं इस बारे में। दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बारे में क्रमशः निर्मला सीतारमण बता रही हैं, उस पर बात करने से पहले थोड़े से आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे आया है वह बताता है कि इस समय, खास तौर से लॉकडाउन के समय, भारत के जो घर हैं वह कितने भीषण संकट से गुजर रहे हैं। इस सर्वे से एक बात साफ होती है कि मोदी ने अपने संबोधन में जिस विकास की बात की थी और खास तौर से पिछले 6 साल में जो विकास हुआ उसकी धज्जियां यह सर्वे उड़ाता है। इस सर्वे से साफ है कि 34% भारतीय घर घनघोर संकट से घिरे हुए हैं। इसमें वे स्पष्ट करते हैं 65% शहरी घर, शहरों में बसे घर, और 50-54 के करीब गांव में बसे घरों में एक हफ्ते से अधिक जिंदा रहने के बुनियादी संसाधन नहीं है अगर लॉकडाउन यूं ही चलता रहा। इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि भारत में इस समय 84% जो घर हैं उनकी जो मासिक आय है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। यानी महीने की जो आमदनी है, आप यह मान के चलिए कि अगर 84% तो उस तरफ कितने परसेंट बचे बाकी तमाम लोगों के, यानी 26% की जिंदगी में अभी तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से उनकी मासिक आय में कमी नहीं आई है, लेकिन 84% की जो मासिक आमदनी है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और सबसे जो खौफनाक है वह यह, इसके मुताबिक इस समय देश का 25% जो हिस्सा है वह बेरोजगार हो गया है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा यह आंकड़े देखकर कि इतनी बड़े पैमाने पर लाखों लाखों लाख लोग जो जा रहे हैं सड़कों पर, जो बिल्कुल भी कि सरकार की किसी भी घोषणा से, किसी भी उम्मीद से ना उम्मीद हो चुके हैं, वे क्यों हो चुके हैं? 50 दिन से अधिक बीत चुके हैं लॉकडाउन के और अभी तक हमने प्रवासी मजदूरों को कुछ भी नहीं मुहैया कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज की घोषणा को भी अगर आप ध्यान से देखिए, वह बोलती है कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाएगा, 2 महीने का राशन दिया जाएगा। इस बारे में जब लोगों ने बात की तो पता चला कि 5 किलो चावल या 5 किलो आटा और 1 किलो दाल सरकार देने जा रही है, और इसमें प्रवासी मजदूरों का साफ साफ कहना है कि इससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, और 50 दिन की बेकारी भुखमरी वे झेल चुके हैं और उनको तुरंत मदद की जरूरत है। लिहाजा जो मांग उठ रही है कि कम से कम तमाम लोग जो आयकर नहीं देते हैं उन्हें 7,500 रुपए उनके खाते में सरकार जमा कराए, 2 महीने का राशन उन्हें मुहैया कराए, इस बारे में सरकार ने पूरी अनदेखी की है। अब देखिए, देश में गरीबों की जो स्थिति है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जो स्थिति है, उसके बारे में यह सरकार कैसे सोचती है? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपना संबोधन कर रही थी, बता रही थी पैकेज के बारे में, उस समय उन्होंने कहा, उन्होंने जिक्र किया कि 6 से 18 लाख रुपए सालाना आय वाले लोग जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आते हैं। दिलचस्प बात यह है
कि जो गरीबी रेखा है उसके मुताबिक जो सरकार के आंकड़े हैं 60,000 तक करीब बैठती है सालाना आय जिनको गरीबी रेखा के अंदर माना जाता है। तो यह तो आलम इस सरकार का है कि जब हम गरीबों की बात करते हैं, गरीबी रेखा की बात करते हैं, तो हमारी सोच में क्या चीजें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत अहम सवाल इन दिनों उठा है कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान देश भर में फैली भुखमरी के संदर्भ में, वह मांग उठी है कि भोजन के अधिकार के तहत सभी को राशन दिया जाए, जो पीडीएस है उसे सबको, उसके अंदर सबको समाहित किया जाए और खास तौर से गरीब हिस्से को। हमने जहां जहां भी बात की लोग बोल रहे थे कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा क्योंकि वे प्रवासी मजदूर हैं, उनके राशन कार्ड, उनके जनधन कार्ड उनके घर में है, यहां पर उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। इस बारे में जो अर्थशास्त्री जौदेज और ऋतिका खेड़ा हैं, उन्होंने बहुत ही एक अहम लेख भी लिखा है जो इन तमाम संकटों के ऊपर बात करता है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। वे अभी भी कुछ अनाज मुहैया कराने की बात कर रही है और उसमें भी कोई आर्थिक मदद नहीं है। अभी आप ध्यान से देखिए जो पूरा का पूरा पैकेज सामने हमारे आया है, इसमें सारा का सारा जोर कर्जे पर है। किसान को कर्ज, रेहड़ी वाले को कर्ज, छोटे बुनकर को कर्ज, एमएसएमई को कर्ज। सवाल यह है कि 50 दिन का लॉकडाउन झेलने के बाद जब उनके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, उन्हें पूंजी की दरकार है, सरकार से निवेश की दरकार है, लेकिन वह नहीं हो रहा है। यह बहुत अहम सवाल है जिस पर हमने बातचीत की गिरीश मालवीय से। गिरीश मालवीय अर्थशास्त्र में बेहद दिलचस्पी रखते हैं और सोशल मीडिया पे लगातार बहुत अहम जानकारियां, बहुत अहम विश्लेषण पेश करते रहते हैं। गिरीश मालवीय ने हमें बताया कि जो पूरा का पैकेज है वह किस तरह से एक बड़ा धोखा है इस देश की गरीब मेहनतकश जनता के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पैकेज अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका जो असर शेयर बाजार तक में दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा। जो बिजनेस अखबार हैं जिस तरह से उनको उत्साहित होना चाहिए था वो भी उत्साहित होते नहीं दिख रहे हैं, और आम जनता कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैम, आज जो जिस तरह से शेयर बाजार ने उसका स्वागत किया है तो वो ऐसा नहीं बिल्कुल लग रहा है कि उन्होंने स्वागत किया है। वो ये हो रहा है कि 600 पॉइंट तक बाजार जो था वो गिरा है, उसके बाद फिर वापस उठने शुरू किया है। तो बिजनेस जो अखबार है उन्होंने उसकी जो सारे इस तरह से देखा जाए कि वो उनका विश्लेषण तो पहले ही डालना शुरू कर दिया था कि ये एक्चुअली एक पैकेज जो है वो 20 लाख करोड़ का जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उसमें कोई कहें कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं डाल रही है और ना आम आदमी की तरफ वो पैसा जाता हुआ दिख रहा है, ना इंडस्ट्रीज को जाता हुआ दिख रहा है, ना वो लघु उद्योग का वाले जो एमएसएमई है जो जिनको जिनका बड़ा कहना है कि हम लोग बोल रहे हैं कि उनमें 3 लाख करोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा वो जो सारी घोषणाएं हैं वो सिर्फ आप मान के चलें कि वो सिर्फ लोन देने की बात है और वो भी आज के दिन में नहीं लोन कोई लेने जाएगा। हम देखें कि अगर कोई लोन लेने जाएगा तो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक लोन लेने की बात कहीं से कहीं तक आती ही नहीं। ये लोन जो है अगले 4 सालों तक दिए जाएंगे और ये जो इस तरह का जो सारा प्रोसेस है बहुत लेंदी प्रोसेस है, बिना कलेक्टर के लोन लेना और बैंकों के साथ वो डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी व्यवसायी से पूछें, किसी छोटे व्यापारी से पूछें तो वो उन सब चीजों में जो आने वाली कठिनाई उनको समझते हैं वो लोग। तो ये कहानी वैसी है कि थोड़ा मुश्किल मामला है। और बाकी जो जो जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं तो कुल उन्होंने पैकेज दिया है लगभग 594,000 करोड़ का पैकेज जो उन्होंने दिया है, 594,000 करोड़ का जो पैकेज है उसमें अगर देखा जाए कि सरकार ने अपना कितना हिस्सा डाला है तो अब जब इसका हमने पूरा विश्लेषण किया तो हमने पाया कि ये आप मान के चलिए बहुत ही कम है। कुल मिला के 13 लाख का जब हमने पूरा पैकेज उनका एक निकाला तो 1,76,000 करोड़ की समथिंग रकम है जो सरकार डालने जा रही है, अभी डाला नहीं है। ये सारी चीजें हैं अभी बड़ा मुश्किल
जी एक चीज गिरीश जी, बिल्कुल अगर मैं बुलेट पॉइंट में आपसे जानना चाहूं कि इस समय देश में जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो मजदूरों के ऊपर है। लाखों की तादाद में वे पलायन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इनके लिए इस पैकेज में अभी तक आपको क्या दिखाई दिया? देखिए अभी तक इनके लिए इस पैकेज में कल वाली इनकी वित्त मंत्री की घोषणा है उसके अंदर तो मुझे अभी तक कोई ऐसा रिलीफ देता हुआ कोई कदम नहीं दिखाई दिया है ना। पिछली अगर आप घोषणाएं हैं, हो सकता है कि अभी वित्त मंत्री एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ देने की बात की हो, लेकिन अभी तक मुझे ग्राउंड रियलिटी तक जाते हुए अभी आप मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही इंदौर बाईपास से लौटा हूँ। मैं हजारों की संख्या में ट्रकों से मैं भरकर आते हुए लोगों को देख के आया हूँ, तो मैं खुद समझता हूँ कि उस वक्त जिस तरह से लोगों का पलायन जारी है और लोग जिस तरह से अपने गांव पहुंचेंगे, जिस तरह से अपने शहर में जाएंगे, उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हम मैं ये मान के चल रहे हैं कि वो लंबे समय तक वापस वहां से नहीं आएंगे और उनकी उनके रोजगार की व्यवस्था हमें गाँव में ही करना होगी, तो ये एक बड़ा संकट है। राज्य सरकारों के सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उनके उनको राशन देना, उनको उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें अब तो एक बड़ा संकट की वजह दिख रही है, वही दिख रही है। जी जी तो आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए था, क्या फोकस होना चाहिए इस पैकेज का? देखिए मैम, जैसे हमने एक पैकेज भारत ने जैसे 20 लाख करोड़ की नरेंद्र मोदी जी ने बात की, प्रधानमंत्री भी हमारे, लेकिन अगर हम उसकी कोरोना संकट के समय पूरे विश्व में सरकारों के सामने ये पैकेज देने की बात खड़ी हुई है तो हम देख रहे हैं कि दूसरी सरकारों ने भी जो पैकेज दिए हैं हम उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से अपने देशवासियों के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज ही एक इटली ने पैकेज भी जारी किया है, उसके अंदर ये उन्होंने कड़ी व्यवस्था की है कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बड़ा पैसा डालने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा की है कि 3 महीने तक जो कारखानेदार हैं उनका किराया नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये घोषणा की है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा उनको, जो उनके लेबर हैं उनको। अमेरिका ने बड़ा जो अपना हिस्सा है 300 करोड़ है या डॉलर है, तो वो बड़ा हिस्सा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने की बात की है। तो हमारा ये मूल बात थी कि देखो बड़े मुश्किल में है आज व्यवस्थाएं और सबसे जरूरी बात तुरंत उस आदमी को मदद पहुंचाने की जरूरत है और ये पैकेज का एक सिस्टम समझ में आ रहा है, सारा सिस्टम हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमको तुरंत मदद की जाएगी बात है कि समझना चाहिए। मतलब जो भारतीयों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी वो अभी तक का ये पैकेज देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि प्राथमिकता भी वही होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सीएमआई की कल की एक स्टडी आई है, उन्होंने एक बहुत बहुत मतलब आप बोले कि वो ऐसी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि भयानक स्थिति है। वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी परिवार के पास जो 34 फीसदी परिवार है उनके पास सिर्फ 1 महीने के लिए एक हफ्ते के लिए उनके पास राशन की व्यवस्था है, वो अपना खर्च चलाने की सिर्फ 1 हफ्ते की व्यवस्था है। अगर लॉकडाउन अगर ये आगे बढ़ता है तो हम मतलब बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि उसको हम किस तरह से वो कर पाएंगे। जो 34 फीसदी परिवार है वो मतलब बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो 25 फीसदी आबादी जो थी वो अब बेरोजगारी के संकट में झेल रही है, तो बेरोजगारी और इस तरह का जो एक पूरा जो मिश्रण आया है सामने हमारे वो ये बताता है कि हमको उनको तुरंत तुरंत ही पैसा देना और तुरंत ही मतलब मदद देने की बात है, तो वो कहीं से कहीं तक अभी तक सामने नहीं आया। जी 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 शुक्रिया गिरीश जी न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए।
इसी संदर्भ में एक और अहम बात, एक और अहम योजना के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में तमाम अर्थशास्त्री लगातार बोल रहे हैं कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा। इस बारे में आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया कि 12-13 मई तक इसमें 14.5 श्रम दिवस पैदा किए गए। इस संदर्भ में अगर आप देखिए कि पिछले साल अप्रैल और मई तक, पूरी मई तक कितने लोगों को काम मिला था, 64.3 करोड़ लोगों को श्रम दिवस पैदा किए गए थे। और तब से लेकर अभी तक ये जो कोरोना लॉकडाउन है, जो कोरोना संकट है, इसने सिर्फ एक सरकारी योजना से 50 करोड़ लोगों को 50 करोड़ श्रम दिवस बाहर किए। इसका कितना तगड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, और खास तौर से जब इतने मजदूर गांव जा रहे हैं, तब यह सोचना इस समय सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो पूरी तरह से चरमराई हुई है, उसे कैसे दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। अभी तक जो पैकेज हमारे सामने आया है, इसने एक खतरे की घंटी जो बजाई है, वह यह है कि कर्ज के अलावा तमाम गरीबों को, तमाम किसानों को, तमाम रेहड़ी वालों को, तमाम छोटा बिजनेस करने वाले लोगों को कोई अलग बड़ी मदद नहीं मिली है। इस तरह से यह जो एक्सप्लोजन हो रहा है, यह जो एक बड़ा संकट अर्थव्यवस्था का हमें अपनी आंखों के आगे दिखाई दे रहा है, उससे कैसे हम बच पाएंगे, इसकी तैयारी सरकार अभी तक करती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, इस समय हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश, हम और आप, प्रवासी मजदूर, ज्वालामुखी के मुहाने पर हैं या ज्वालामुखी फट चुका है। अगर आप बात करिए इन प्रवासी मजदूरों से, तो साफ होता है कि ज्वालामुखी फट चुका है। जो माइग्रेशन 2001 से 2011 के बीच जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार इतना तेज माइग्रेशन, इतना अधिक माइग्रेशन भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यह 2001 से लेकर 2011 के बीच में हुआ, वह माइग्रेशन अब रिवर्स रुख अख्तियार कर रहा है। वे लोग सारा का सारा जोखिम उठाकर, महिलाएं कोख में बच्चा लेकर सड़क पर जनते हुए भी घर जा रही हैं, क्योंकि शहर जो उन्हें सपने दिखा रहा था, उन्हें जिंदा रखने के वादे दे रहा था, वे सारे के सारे चकनाचूर हो रहे हैं। और ऐसे में हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया, वह वादा इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। वह ये बड़े पैमाने पे जो माइग्रेशन हो रहा है, इसे रोकने के लिए, थामने के लिए, सांत्वना देने के लिए एक शब्द और एक पैसा सरकार अभी तक फिलहाल खर्च करने के मूड में नहीं है, और यह आने वाले खतरनाक दिनों का संकेत दे रहा है। खोज खबर कार्यक्रम में इतना ही। आपसे एक अपील, देखिए, लाइक करिए न्यूज क्लिक, शेयर करिए खोज खबर, ताकि सच को सच कहने का हौसला आपके साथ मिलकर बना रहे। शुक्रिया। Thank you.